जिस तरह उसामा बिन लादन कम्युनिकेट करता था, तोते पा तो उसने कबूतर पाले हुए थे, किसी कबूतर को अकादमी का टिकट ले देते उसके कान में बातें करके, ये बता दो बाइडेन को, वो सस्ता नहीं था। अपना लेटर लिख के फेडेक्स करा देते, DHL के जरिए भेज देते। कौम के लोग ना तड़पते देख देख के ये बातें सुन के, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन क्या कोई जमीर, मैंने कहा अगर जमीर हो तो फिर वो नापैद है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में आपकी तबाही जो है चीमा साहब वो अब नजर आ रही है, वो हर जगह से नजर आ रही है। अब आपकी बचने की उम्मीद नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट जो बाजवा एंड सन्स ने तैयार की थी वो भी तैयार है। मुझे बल्कि दुख होता है, मैं उस सेनेटर सदीकी साहब के अगले दिन उन्होंने जो लेट दो लिखे हैं आर्टिकल्स, मैं हैरान था उस बात पर। देखें, बाजवा साहब का बच्चा कम्युनिकेशन करता था उस वक्त। सेनेटर सदीकी साहब ने कहा कि मेरी सेफ कम्युनिकेशन वॉज थ्रू बाजवा जूनियर, और दूसरी तरफ पर जो PTI के टिकट बेच रहे हैं वो जस्टिस जूनियर बेच रहे हैं। मेरा मकसद है कि किस तरीके से औलादें आगे तैयार कर रहे हैं, कि करप्शन की तैयारियां करते हैं, गुड़ती हैं करप्शन की और सारी सियासतों की। और मेरा मकसद है इन सर्कमस्टांसिस में अगर आप बताएं आपको कहीं से रिलीफ नजर आती है, मुझे तो अंधेरे के अलावा चीमा सब कुछ नजर नहीं आता। थर्ड साहब, ये अभी जो बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने ये कहा है कि हमें जजों से हिसाब लेना है, और आज उन्होंने कहा है कि साबिक वजीर आजम शाहिद अकान अब्बासी ने तो ये कह दिया कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस को और इनको बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बुलाना चाहिए, और पूरी पार्लियामेंट को एक कमेटी बना दें और उसमें बुलाया जाए इनको और जजेस को, और उनसे पूछा, और उन्होंने कहा है कि ये जुडिशरी जो है ये सुप्रीम कोर्ट हमसे मांगती है, रिकॉर्ड मांगती है, हम तो हम क्यों रिकॉर्ड दें इनको, और बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बुलाएगी चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, और कहेगी कि जो है वो आप ऑडिट क्यों नहीं करा रहे 2011 ऑनवर्ड। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सामने है, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो लड़ाई है, जो कि इस वक्त बिल्कुल यहाँ है, हर बंदे को पता है, ये सुनने में तो कि ये भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस को फारिग भी कर सकते हैं किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए, आपको क्या लगता है जिस तरह की कमजोर डेमोक्रेसी, उसके बाद वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बड़ी सियासी जमात जो है इमरान खान की वो सड़कों पे है, तो ये महाजर आई, हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आज सुबह उठ के जो मैंने चीजें देखी हैं उसमें हमारे मोहसिन राजा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत सिर्फ तभी होती है अगर PTI के खिलाफ बात की जाए, और क्या तौहीन अदालत सिर्फ नवाज नून लीग के खिलाफ ही बनाई गई थी? आज उन्होंने ये सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन हाउस के अंदर कहा था कि 8 मिनट में 8 जमानतें होती रही हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एलिगेशंस लगाई हैं, उन्होंने कहा कि आप वजीर आजमों के सर हम नहीं देंगे, आप सर मांगते हैं वजीर आजमों के। फिर उसके बाद कायमा कमेटी ने कहा हम रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट इशू करेंगे अगर उन्होंने ना हमारी बात सुनी। फिर उसके बाद आपने जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को यहां पेश किया, चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी तरफ से कहा है कि सियासी हालात ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आलूदगी पैदा कर दी। ये खुद की गई है, आपने खुद करते हैं, अपने 8 सितारे, अपने 8-9 रत्न हम ख्याल जब लेकर आते हैं। अब प्रोसीडिंग जो हुई है उसमें प्रोसीडिंग में उपाशा साहब ने आते ही सबसे पहले कहा था कि लार्जर बेंच, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था इसमें से जो जिस जज के खिलाफ रेफरेंस है उनको निकालें, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मैं अंडे दूं बच्चे दूं, तू कौन है यार, निकल यहां से। तो जब ये सरकार, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि क्या होगा, ना अदालतों की कोई इज्जत बची है, ना असेंबलियों की कोई इज्जत बची है। देखिए ना, बेइज्जती तो उसकी होती है किसी की इज्जत हो तो। लोगों के लिए सरप्राइज तो तब होगा कि अगर ये पहले ही गंद सारा ना हो। कौन से इदारे की इज्जत बची है कि कौम के लिए शाक होगा? मैं कहता हूं चीमा साहब, सुबह मार्शाला लग जाए, कौम को सरप्राइज नहीं होगा। अब मैं उसके हवाले से बात करना चाहूंगा कि मुल्क का सबका वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब, उनकी आज से 2 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि इस वक्त करप्शन इस हद तक जा चुकी है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, किसी पार्टी के पास हल मौजूद नहीं है पाकिस्तान का। दिस वॉज हिज सेइंग 2 डेज अगो, और 2 डेज अगो आपके सबक वजीर आजम खाकान अब्बासी ने कहा था कि मार्शाला लगना चाहिए या लगेगा बड़ी जल्दी, ये उनकी स्टेटमेंट।
इस वक्त मैं सीरियसली अगर आपको कहूं, अभी घंटे बाद खबर आ जाती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया, लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोग मेरे ख्याल में शुक्र अदा करेंगे कि शुक्र है यार, और अवारा मुंडे बैठे रहते सर जमान पाक के बाद हो सकता वापस आके तो स्कूल चले जाए, कुड़ियां जिड़िया घरों नसियां कई हो सकता वापस आ जाए, इसके अलावा और क्या होगा? जिसके जिस मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोग लड़ रहे हैं सबके पास ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्रियां हैं, ये जितना गंद डालने वाले हैं सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं और आंखों से अंधे हो चुके तो फिर इसके बाद अब क्या हाल होगा? हाल यही है, मैंने अगले दिन, लोग बड़ा माइंड कर जाते हैं, मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस द मार्शल लॉ इज द टफ एंड सिंसियर मार्शल लॉ इज नीडेड। कहते नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं, वो कैसी बातें करते हो यार, लीडर तुम्हारे जिनको कहते हो तुम्हारे सारे जो लीडर है सारे मार्शल लॉ की पैदावार है, सारे एजेंसियों की पैदावार है, आज भी पाकिस्तान एजेंसियां चला रही है। है तो नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं, इलेक्शन इलेक्शन क्या इलेक्शन जो 2018 में था, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे जो इस वक्त गुमराह हो चुके हैं आंखों से अंधे, मैं पूछना चाहता हूँ 2018 का इलेक्शन फेयर था? ऐसी बातें करते हो यार, हमें आंखों में पट्टी बांध कर गाने सुनते फिरते हो, अबरारू लाके और उतावला नियाज़ी के पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, फिक्शन में रहते हो। मार्शल लॉ, अगर अगर हम मार्शल लॉ की बात करेंगे तो डोंट यू थिंक कि ये तो मतलब फिर तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल मार्शल लॉ ही है 2018 से, जिस दिन से जिस दिन ये बंदा अमीरुल मोमिनीन कंटेनर पे चढ़ा था इस्लामाबाद, वाशिंगटन डीसी ने उसी दिन कह दिया था साफ पू हो चुका है पाकिस्तान में, उसी दिन यहाँ पे कहा गया था कि डेमोक्रेसी इज डन इज रैपिड, ये डील के जरिए आया बंदा कंटेनर पे चढ़ा है, किसको चढ़ाए कंटेनर पे? किसी और ने था, इसको एजेंसियों ने कंटेनर पे चढ़ाया था, उस दिन खत्म हो गई थी जमहूरियत। कौन सी जमहूरियत थी? अब मुझे एक छोटी सी बात बताया, आज मौसम रहा जा रहे हैं, मैं उतना नहीं ज्यादा उनके बारे में जानता, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही है, उसने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा था मेरा पैगाम ही नहीं पहुंचा इमरान खान तक, इस पे हथ के इज्जत ही नहीं हुई क्योंकि इसको पैगाम ही नहीं पहुंचा, जरा सोचें जरा बात। और दूसरी तरफ एक बंदे को बुला के पनामा से आपने कामा निकाल लिया था, ये कौन सा इंसाफ है? हथ की इज्जत सिर्फ बनी है नून लीग के लिए बनी, ये लोहे के बने इनके ऊपर हद के इज्जत ही नहीं जाती। चीमा साहब, इस वक्त सिस्टम खत्म हो चुके हैं आपके मुल्क के अंदर, आप जिसको अदालत कहते हैं वो अदालत नहीं है, अब बेंच बनाया जाता है तो लोग फौरन प्रेडिक्ट कर देते हैं फैसला ये होगा, ये किस किस्म की अदालत है? अदालत है ये सब धोखा एक फ्रॉड है। अच्छा मैं मार्शल लॉ की बात कर रहा हूं, आप कहते हैं मार्शल लॉ नहीं होगा, जब एक कौम आप सिर्फ सवाए जूतों और डंडों के काबिल रह चुकी, ये कौम सेल्फ गवर्निंग है? आप मुझे ये बताएं, ये कौम है कि इलेक्शन कराए जाए यहां पे, इनको पता हो इलेक्शन फेयर इलेक्शन क्या चीज होती, क्योंकि फेयर इलेक्शन हुई कभी नहीं आई थी यहां पे, जहां पे 1,20,00,000 के टिकट बिक रहे हैं वो आप कहते हैं वहां इलेक्शन होने, जहां पे अभी तक साकिब निसार साहब आपके शॉर्ट्स कॉल कर रहे हो, जहां अभी तक बाजवा साहब अंदर ऑपरेट कर रहे हो, हमारे बहावलपुर वाले अभी अपना असर रसूख इस्तेमाल, वो कौम सेल्फ गवर्निंग कर सकती है? ये थप्पड़ों से जूतों और डंडों से चलने वाली कौम, इसके अलावा मेरा मार्शल लॉ का मकसद ये था, मैं ये मेरा इशारा को ये नहीं है कि आर्मी आई है, लेकिन ये थप्पड़ों के बगैर नहीं चल सकते आप, ये क्योंकि देखे ना एक वन साइडेड स्टोरी चलती है सारी, वन साइडेड, एक 2018 में जिस तरीके से जिताया गया है वो चीख, वो सही कहते हैं नून लीग वाले इस वक्त के, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आएगा जब इसके ऊपर अदालतें काम ही नहीं करती, वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस पे हमले करता है लेकिन तो इन्हें तो उस पर अदालत नहीं लगती, उस जब जजों के बच्चे जज की सास फैसले दे रही हो तो फिर वो क्या यार बातें, उस पर मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए तो क्या लगना चाहिए? आप बता दें कोई चौथा सिस्टम है कम्युनिज्म सोशलिज्म, बता दें क्या लगना चाहिए पाकिस्तान में जहां पे अदालतें फेल हो रही हो, असेंबलियां फेल हो चुकी हो, पुलिस फेल हो चुकी हो, वहां क्या लगना चाहिए? जंगारी लगना चाहिए, जंगारी लग चुके आप, जब पूरा सिस्टम ही कैंसर ज्यादा है तो आप कहते हैं कीमोथेरेपी भी ना करें आप उसकी, कीमोथेरेपी बड़ी मुश्किल चीज होती है कीमोथेरेपी, लेकिन देखिए ना जहां पे जहां कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां फेल हो गई हो
वो क्या लगना चाहिए वहां, जहां अपोजिशन लीडर राजा रियाज हो? वो आज उसने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी हुई है। ये हमें समझाते नहीं है तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से किधर चले गए? हम नून लीग के साथ, अब हम क्या करें? हमने टिकट नहीं लेना है, हम तो अपोजिशन के लीडर है। अब ये हमें समझाते ही नहीं है, ये हमारे पोस्टर पाड़ते हैं तो हम क्यों ना इनके पोस्टर पाड़े। हम भी पाड़ते उस्मान बुजार दी तैयारियां ने, उन्हें तेल उन्हें मालिश करके डंड बैठका में मार दिया। इतने हम मेरा मकसद की हो सकता है, मैं चीमा साहब कहते हैं कहां से शुरू करें कहां पे खत्म करें, मेरा मकसद दुख है। एक शेर अगर आप अर्ज मैं एक शेर मैंने आपके लिए सेव करके रखा था, अगर इजाजत दें तो वो मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ। शेर वो मेरी हालत ज़ार को डिफाइन करता है, वो शेर मैं जरूर आपको आज पाकिस्तान की नजर करना चाहूंगा। वो प्लीज मुझे एक मिनट दें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने खास आपके सेगमेंट के लिए वो शेर एक सेव करके रखा हुआ था चीमा साहब। जी जी जरूर, कोई मसला नहीं सर, आप बताएं। शेर शेर जो अमूमन जो है तो उससे बहुत ज्यादा बहुत सारी बातें एक ही कुछ लाइनों में हो जाती हैं। मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में, मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में, अपनी हालत को संवारा तो मर जाऊंगा। मैंने हमने 76 साल लगाए हैं अपनी हालत तबाह करने के, लेकिन आज आपने अगर हमने आपने हमें टूटी के नीचे खड़ा किया तो हम मर जाएंगे। तो ये 76 साल की मेहनतें हैं, 76 साल आपने मां के कपड़े फाड़े हैं। तो मेरा मकसद आज आप कहते हैं कि आज आप आपका डायरेक्शन आज मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। सीएनएन के ऊपर आज खबर है, सीएनएन के ऊपर खबर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो पुल बनाया एफल टावर से ज्यादा ऊंचाई है उसकी, ये सीएनएन पे खबर। और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया, मेरे 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 जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं कि एक मुल्क किधर जा रहा है और एक मुल्क कहां जा रहा है। और हम 1947 तक एक थे, 1947 वो एफल टावर से हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने कश्मीर पे रेलवे का ब्रिज बनाया, सीएनएन अमेरिका के अंदर खबर थी। फिर मैं ये शेर ना पढ़ू तो क्या पढ़ू, फिर मैं चीखू ना तो क्या करूं। मुझे कई लोग पूछते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग को, मैं हूं रोवा भी, मैं रोड भी नहीं उतरते हूं, रोने पर भी पाबंदी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है ताराट साहब, आप किसी गांव चले जाएं, शहर चले जाएं और ये जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं आप इन्हें बंद कमरों में मिले, हर बंदा मायूस है। आपको आप भी मिलते हैं सब लोगों को, हर बंदा मायूस है, तो फिर बात करने पर क्यों रोकते हैं और टोकते हैं? मैं कहता हूँ यार, तुम कहते हो शायद मैं इंडिया के गीत गाता हूँ, बांग्लादेश तुहाडे तो अगे लंघ गया जी, पठान तुहाडे अफगान अगे लंघ गए जी, आर्गू करो ना मेरे नाल। हाँ भाई तुम भारत की तारीफें करते हो, हमारी बैशिंग करते हो, चलो ठीक है भारत को साइड पर रख दो, बांग्लादेश से कंपेयर कर लो अपने आप। शर्म ही नहीं आती लोगों को, पता नहीं क्या बात, जमीर मुर्दा हो चुके हैं, जमीर मुर्दा हो चुके, बस झंझोड़ झंझोड़ के खा रहे हैं उसको, पाकिस्तान को तबाही सर, जमीर नाम की चीजें। आज मुझे दुख हुआ है कि वजीर आजम हफ्ते के लिए लंदन क्यों गया, क्यों गया? उसका जाना बनता नहीं बनता जा रहा, लेकिन चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। जमीर नाम पर मैं क्या करूं, मैं दुख है इस बात, और उसको इंडिया भी नहीं जाना चाहिए भाई। जब तुम उनसे भारतीयों से बात करने नहीं जा रहे हो, जो जम्मू में हादसा हुआ है उसकी उसको उसकी सूरत हाल पे आप बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, देन व्हाई यू गोइंग टू इंडिया टू बिगिन विद? शॉपिंग करने जाना, आपने सैर करने जाना, पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। एसईओ कहते हैं एसईओ की अटेंड करनी है, पहले सारी चीजें आप टीवी आप इंटरनेट पे सारा कुछ अटेंड करते हो, वर्चुअल करते हैं। हाँ जी अभी बिल्कुल, आप इसको भी जूम पे अटेंड करो या कुछ और अटेंड कर लो, बारा जाने का क्या मकसद है 50 लोगों को लेकर साथ जाना? वो कह रहे हैं 192 मुल्क अगे हो गए ना, 93 ऐसी 100, क्या फर्क पड़ता है? मुल्क गिन रहे हैं ना कि मैंने इतने मुल्क जो हैं वो ट्रैवल किए हैं, तो ऑफ कोर्स सेंचुरी ने रिकॉर्ड तोड़ने हैं इन्होंने, अपने इब्ने बतूता रिश्तेदार। लेकिन चीफ सर दुख ये है कि कोई इस वक्त आगे कोई लाइट, मैंने तो बड़ा अरसा पहले कहता था कि वो कहते ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, टनल है, टनल के आगे किसी ने लाइट लगाई ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पाकिस्तान पता नहीं शायद अंधेरे में बनाया था किसी ने, उसको पता ही नहीं था कि इसके आगे लाइट भी लगानी है यार। हो सकता है
कोई 80 साल बाद इनको लाइट नजर आ जाए, पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे मैं बता नहीं रहा हूं कि कंपेयर करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस हमारे सारे कैम्ब्रिज के और हार्वर्ड के ग्रेजुएट, देखिए वो इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वहां से वो पढ़ते हैं तो सारे अमरीका में सारे सीईओ बन गए, हमारे यहां से पढ़ के जाके सारे मनी लॉन्डरर बन गए, हमारे सारे जाके फ्रॉडी के तोखे। सर साहब आपको नहीं लगता कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो एक कंस्ट्रक्शन होती है, सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन नेचुरल नहीं है? मतलब हम लोग हर चीज ऊपर से लोगों को, अगर हमने फॉर एग्जांपल आप अक्सर बात करते हैं डीएनए की, मतलब सारे का सारा मुल्क, सारे के सारे अदारे, सारे के सारे लोग एट द सेम टाइम ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना एक। चीमा साहब मेरी समझ से बाहर है कि 23-25 करोड़ लोगों में से एक भी फर्द वाहिद ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी तक जो कहे मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। ये मेरे लिए भी लम्हा फिक्री है कि मैं बचाऊंगा भाई, आई एम जस्ट पाकिस्तानी। कोई 25 करोड़ लोगों में से ऐसा बंदा, ऐसा मर्दे ऐसा फर्द हो जो कहे नहीं यार मेरे बच्चे यही हैं, मैं पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी, कोई ऐसा हैरान होता रहता। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे कन्विंस करें कि 1947 के बाद ये लाइन बनी है, डीएनए आप देख ले, हम सब पहले सिख थे, हिंदू थे सारे, ये क्या वजह बनी, क्या वजह बनी? बात तो कोई कुछ सीक्रेट तो है, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज तो है, या तो फिर 19 मैं कई दफा ये सोचता हूं कि शायद 1947 में जो किया गया है यहां पे हादसा, उस उन लोगों की बददुआएं, लेकिन उन लोगों की बददुआएं तो उधर भी है, वो कौन सा सिर्फ यही हुआ है, मुसलमान इधर आए यहां से जलील, उधर से जलील होते आए, इधर से जलील होते गए, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरी समझ से बात, उनके देखे सारे वजीर आजम, सारे सदर, सारे